और तू 50 साल का हो गए ब्याह कराना, जल्दी जल्दी ब्याह करा अपना। मुझे और तेरे बाबा को लड़की बहुत पसंद और फैमिली बहुत पसंद है, अब तू चुप करके ना तो हाँ कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओके जी, तो आज ये क्या कर रहे हो? टोपी उतार के ना जरा अपने बाल दिखाओ, ये टोपी उतार कर दिखाओ ना, व्लॉग बनाओ अपना टोपी उतार के। क्यों दिखाओ जरा अपने सोने वाले बालों? नहीं हाँ। मैं दरअसल अभी अभी उठा हूँ और मेरे बालों में न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हुआ है। जुम्मे का दिन है, मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा फटाफट जो है व्लॉग की स्टार्टिंग हम शूट कर ले। हाँ जी, अब बाप इंसान बनो और जाके तैयारी करो, सबसे एंड में जुम्मे में तुम पहुंचते हो। यार पढ़ तो लेता हूँ ना। नहीं जरूरी नहीं, पढ़ना जरूरी है पर टाइम पे जाना, जल्दी करो, बाद में आके भी लोग शुरू करना। तो जा रहा हूँ, बस 10 मिनट के अंदर शावर लेके गुसल करके नहा के आया और जाना है, भागना है जुम्मे के लिए, वरना फिर मैं जब एंड पे पहुंचता हूँ ना तो अम्मा तो जो बोलती है मौली साहब मुझे ऐसे देखते हैं। 10 मिनट और हाँ याद आया, मेरे पास है 2-3 बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन जुम्मा पढ़ने के बाद। बात सुनो मेरी। हाँ जी। मैंने और आपके पापा ने आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है, टाइम पे आना जुम्मा पढ़ के। मेरे पास पैसे नहीं है। तू पैसों को छोड़, जरूरी बात करनी बस। ओके बट साहब, कोई बट साहब जुम्मा नहीं पढ़ना, जुम्मा नहीं पढ़ना, जुमा पढ़ना है, पढ़ के तू जुमा पढ़ के आया ना, तो तेरी माँ तेरे ना गल करनी। ओ खैर है, आप लोगों को कौन सी जरूरी बात आ गई है? खैर ही है। अच्छा पक्की बात है ना, पैसे ना मांग लेना। नहीं पैसे नहीं मांग ले। ओके कपड़े प्रेस कर लेते हैं यार, जुम्मे का टाइम हो रहा है, वाइट पहनते हैं वाइट। अब देखो बाल, अब देखो, अब बाल देखो, अब टाइम होगा जुम्मे का, चलो फिर आज जुम्मा पढ़ के आओ। अभी पढ़े हुए 15 मिनट मामा जी, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा, पढ़े। हाँ जी, वो जो गदर का भी लोग बनाया हमने, वो सब ने देखा? हाँ बड़े लोगों ने देखा, कल लगाया था ना, बड़े लोगों ने देखा। हमारा कब मिलियन मिलियन में कब होगा हमारा? ओ माँ सदके अभी नहीं हुआ, मेहनत कर तो रहे हैं, हो जाएगा, टेंशन ना लो। आपको किसने बताया ये मिलियन शिलियन? वो मुझे वैसे बता रहा था अम्मा मिलियन में होता है, अभी पता नहीं क्या क्या, मैंने कहा मैं जब से नहीं, हमारा अभी मिलियन नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह। पैसे दो, मैंने वो मस्जिद में डालने जो। हाँ वो मैं देती हूँ फटाफट। ओके ओके ओके। अच्छा जी, ऐसा है कि जो हमारी सोसाइटी वाली मस्जिद है ना, वहाँ पे मेरा जुम्मा हमेशा मिस हो जाता है, मैं हमेशा वहाँ से लेट हो जाता हूँ। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, अब हमारी सोसाइटी है बिल्कुल सामने, ये सोसाइटी है जहाँ मैं जुम्मा पढ़ने आया हूँ। यहाँ का जुम्मा जो है वो 20 मिनट लेट होता है, तो मैं हमेशा ऑलमोस्ट यही जुम्मा पढ़ता हूँ। जुम्मा हमने पढ़ लिया, घर से तो हम निकले ही हुए हैं, एक काम करते हैं ट्रिमिंग करवा लेते हैं। ये देख रहे हो खाते जरा बड़ा हुआ है, तो इसी बहाने जरा शक्ल सूरत निकल आएगी। और जो एक्साइटिंग न्यूज मैंने आपको देनी थी वो ये है कि कल है दूर के रिश्तेदार की तरफ जलसा, मरियम नवाज वाला या इमरान खान वाला जलसा नहीं, जो खुशी से मनाया जाता है जब विलादत होती है किसी नबी पैगंबर की, किसी इमाम की, तब जलसा या मिलाद अपने घर पे जो करवाया जाता है वो जलसा है, उसकी तरफ हमने वहां जाना है, उसका भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी जो एक्साइटमेंट वाली न्यूज है वो ये कि जलसे से फ्री होके वेरी नेक्स्ट डे दूर का रिश्तेदार हमारे घर आएगा, मतलब अपने ही घर वापस आएगा, और खूब इंजॉय करेंगे। पॉसिबल है कि मूवी शूवी भी देखने जाएं और उसको कुछ खिलाएं पिलाएंगे, जरा उसको इंजॉय कराएंगे। वैसे तो वो अपने घर पे हमारे से ज्यादा इंजॉय करती है, लेकिन हमारे घर आ रही है तो हम उसको खूब इंटरटेन करेंगे। यार मैं कैसे भूल गया, अम्मा ने कहा था जल्दी आई तेरे से कोई जरूरी बात करनी है। खैर कहा तो अब्बा ने भी था, देखते हैं क्या जरूरी बात है, लेकिन अब बिला वजह जुम्मे वाले दिन गालियां पड़ जानी है। मुझे पूरा 1 घंटा हो गया सलोन पे बैठे हुए, मैं तो सुकून से कटिंग करा रहा हूँ, ट्रिमिंग करा रहा हूँ, मेरे जहन से ही निकल गया। या अल्लाह पाक बचा लेना। परा यो। या अल्लाह खैर। हाँ भाई अम्मा बाकी तेरा क्या चल रही है? जरूरी बात चल रही है। ते अगे की क्या ही? अगे सही पहले की क्या ही? कहता कोई जरूरी डिस्कशन चल रही है। देखते हैं क्या जरूरी डिस्कशन चल रही है। इधर तो नहीं है। वो
अस्सलाम वालेकुम। इधर आ ना उरदू दे पट्टे तेरे में कैसे जल्दी आवी यार मन्नू क्यों भी जरा अड़ी जा रहे हो जान महावरा तन कही तानू ने कह रही यार सॉरी मैं भूल गया था मैं ट्रिमिंग करवाने चला गया था। क्या करो ये ट्रिमिंग जबली वैसे का वैसा ही है तू जरा बैठ जरा तेरे से जरूरी बात करनी है मैंने। खैर है हाँ खैर ही है बैठ जाते हैं। हाँ जी हुक्म करें। मैं और तेरे बाबा बैठ के हम लोग बात कर रहे थे तेरे लिए हमने लड़की देखी है। लड़की तो और क्या तेरी लड़का देखना है अच्छा आगे बात करो। मुझे और तेरे बाबा को लड़की बहुत पसंद है और फैमिली बहुत पसंद है। अब तू चुप कर देना तो हाँ कर दे। हाँ कर दे ऐसे कैसे हाँ कर दूं मैं कोई जोधा अकबर के टाइम पे रह रहा हूँ ना लड़की देखी ना जान ना पहचान ऐसे कैसे हाँ कर दूं भाई। बंदे का पुत्र बन 28 साल उम्र हो गई तेरी सानू अपनी खुशियां वेख लैन दे। आ तो तेरे को सानू उम्मीद कोई है नहीं तो जो अरेंज मैरिज ही करनी है तो फिर आज भी असि करनी थे कल भी असि करनी टाइम कल ही जाया करना पे इमोशनल टाइम। यार अभी मुल्की हालात देखो आप लोगों को शादी की इतनी जल्दी क्या सूझ गई है बैठे बैठाए यार। रजब अली हर दफा एक ही बहाना ना बनाओ बड़ी पढ़ी लिखी अच्छी खासी फैमिली की बच्ची है। यार आप लोगों को ये बैठे बैठाए लड़की मिल कहां से गई है कल तक तो कोई लड़की नहीं थी अभी मैं खत करवाने गया हूँ पिछले साल कोई लड़की मिल गई और वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी का मेरे से क्या लेना देना। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया वहां से मुझे किसी ने रेफर किया रिश्ता और बहुत अच्छा रिश्ता है ये। यार इतनी क्या जल्दी आ गई है कि आपको अब मेरा रिश्ता जो है वो ग्रुपों में डालना पड़ रहा है इतनी भी क्या हमें जल्दी हो गई है यार कि ग्रुपों से देख देख के रिश्ते करने हैं हमने। और तो 50 साल ना हो गए ब्याह कराना जल्दी जल्दी ब्याह करा अपना तो। नहीं 50 साल तो बहुत दूर है भट्ट साहब इंशाल्लाह 47-48 का होकर करवा लेंगे। खुदा का नाम है जुम्मे का दिन है कोई अच्छी बात बोल लो यार अच्छी बात बोलो खप गए तेरे साथ हम लोग। रजब अली मुझे और तेरे पापा को लड़की बहुत पसंद है तूने अगर देखनी है तो बता देने तो मैंने और तेरे पापा ने हाँ कर देनी है। ओहो कौन सी हाँ कर देनी है ऐसे कैसे हाँ कर दूंगा मामा जी क्या हो गया आपको। रजब अली बस कर दे 28 साल तेरी उम्र हो गई 3 साल से मैं तुम्हारा यही बहाना सुन रही हूँ बस। ओहो क्या हो गया है यार आप बात बात पर रोना क्यों स्टार्ट कर देते हो यार। तो मैं और क्या करूँ तू मेरी बात जो नहीं सुनता रोना तो क्या करूँ। अच्छा रुक चुप कर जाओ मैं आपको एक बड़ा ही जबरदस्त सोल्यूशन देता हूँ। नहीं कोई सोल्यूशन है रजब अली तू आज मुझे सोल्यूशन देके भाग जाता है। और नहीं यार क्या हो गया वादा कर रहा हूँ इस बार पक्का वाला सोल्यूशन दूंगा आपकी कसम। चल बता फिर सीरियस बात बताऊंगा और आपने सीरियस भी सुन लेना मजाक नहीं करना ठीक है। अभी आप जो भी रिश्ता देख रहे हो ना आप उसको अभी पोस्टपोन कर दो अभी आप उसको कैंसिल कर दो ठीक है। हम इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी तक शादी कर लेंगे आपको गो हेड है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है ना रिश्ता वगैरह देखना स्टार्ट कर लेना। अभी हमने क्यों किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है अभी दिसंबर में बहुत टाइम पड़ा ना तो आप उनको जो है वो पीछे ना लगाएं अभी उनको पोस्टपोन कर दें ठीक है। हम दिसंबर जनवरी तक इंशाल्लाह शादी कर लेंगे ठीक है। अब इसने हमारी कसम खाई है अब देख रहे तू। मैंने जब कह दिया मेरा कहा और औलों का खादा बाद में पता लगता होता है मैंने जब कह दिया आपको दिसंबर जनवरी तक दिसंबर या जनवरी तक आप लोग रिश्ता देख लेना मैंने जब कह दिया तो कह दिया मैंने कसम खाई है ना इस बार पहले कभी कसम खाई है नहीं ना खाई देख रहे भट्ट साहब आप गवाही देना आप भी भट्ट साहब दो गवाही मेरी यार आपने नहीं मेरी गवाही देनी तो किसने देनी है ठीक है यार दिसंबर जनवरी वादा रोना बंद करो और जिनसे आपने बात चलाई हुई शादी की उनको अभी आप मना कर दें उन्हें आप कह दें कि जी हमारे बच्चे की शादी में भी टाइम है हम इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी से पहले पहले रिश्ता देखना स्टार्ट करेंगे अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ओके अब कुछ खाने को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा सुबह का नाश्ता किया हुआ तुझे खाने में क्या पकाया जो तू खाता है गोश्त आलू आलू कुछ बनाया छोटा कि बड़ा आज तो बड़ा ही बना पुत्र दिखाओ जरा बच्चों अब आप भी इसको ना कमेंट्स करके बताओ कि 28 साल इसकी एज हो गई अब इसको शादी कर लेनी चाहिए ना। हाँ जी दिखाएं क्या बना रहे हैं अभी 5 मिनट हैं मैंने अभी आलू डाल रहे तू फटाफट नमाज पढ़ ले फिर तुझे दिखाती हूँ मैं क्या बन के चलो ठीक है ओके भाई आज तो बाल बाल बच गए वरना ये तो आज ही शादी करवाने लगे थे मेरी। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं शादी से भागता हूँ लेकिन ये है कि बस अभी दिल नहीं मेरा कर लेंगे शादी को क्या है अम्मा का तो बस नहीं चलता अम्मा बाबा तो कल ही शादी करवा दे माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा हो गया यार वाह। ओके जी नमाज भी पढ़ ली जिम जाना है तो कपड़े भी चेंज कर लिए खाना दे दो यार ऐसा आ
शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, अब मजदूर आदमी है, चलते हैं मजदूरी पे मतलब जिम। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स व्हाट्सएप के लिए भेजे हैं, मैं उनको जरूर डिलीवर करूंगा। व्हाट्सएप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे हैं आपके लिए और आपसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप अपनी डाइट का ख्याल रखा करें, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हर मकसद में आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके मामा जी मैं जा रहा हूँ। ओके जी अल्लाह अल्लाह करके दिसंबर जनवरी तक का हमें टाइम मिल गया, दिसंबर जनवरी तक मैं कुवारा ही हूँ। यहाँ करते हैं व्लॉग को एंड। और अगर हाँ जी मेरे सारे बच्चे कमेंट्स करके इसको कहो व्हाट्सएप शादी कर लो। नहीं 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 ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चलने वाला, शादी शुदी वाले कमेंट्स नहीं करने, शादी कर लेंगे, इतनी क्या जल्दी हो गई है, दिसंबर जनवरी तक इंशाल्लाह शादी कर लेंगे। यहाँ करते हैं व्लॉग को एंड। जैसे मैंने आपको बताया कि दूर का रिश्तेदार हमारी तरफ रहने आ रहा है, बहुत मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।